नमस्कार। हाँ जी, क्या पूछना है? जी, जल्दी से मोक्ष हो जाए। कभी से विचार आया? 15-20 सालों से। 15-20 सालों से तो कहाँ कहाँ जाके आए? वो काफी अच्छे संत महापुरुषों के दर्शन हुए, लेकिन पूरी आज्ञा ना सम हमारे ना हमारी ना समझी के कारण बिछड़ गया। पर मोक्ष, मगर बंधन किस चीज़ का है? आपको मोक्ष चाहिए तो बंधन किस चीज़ का है? हमें मोक्ष चाहिए मगर हम घर से बंधे हुए हैं, तो घर को छोड़ दिया तो हमारा मोक्ष होना चाहिए। वाइफ बच्चे से बंधे हुए हैं तो उनको छोड़ दिया तो मोक्ष होना चाहिए। पैसे से, धंधे से, बिजनेस से बंधे हुए हैं, उसको छोड़ दिया तो हम जी मोक्ष हो जाए। तो किस चीज़ से बंधे हैं? देह से बंधे हैं तो देह को छोड़ देना चाहिए, क्या करेंगे? एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ, मगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो आप छोड़ दो उसको। कैसे छोड़ोगे? धीरे धीरे हो जाए। 20 साल तो चले गए। चलेगा। काम क्रोध लोभ मोह से बंधन नहीं है, उससे भी आगे बंधन है। और जब तक वो बंधन, बंधन का, सब बंधन का जो कारण है वो खत्म नहीं होता है, वहां तक बंधन छूटता नहीं। बंधन छूटेगा नहीं तो मोक्ष होएगा नहीं। बंधन का कारण है स्वरूप की अज्ञानता। मैं, आप बताते हो मैं अशोक हूँ, आप सचमुच अशोक ही हो कि आपका नाम अशोक है? नाम अशोक है, हाँ, तो खुद कौन हो? खुद तो शुद्ध आत्मा। हाँ, मगर कोई किसी ने बताया अशोक जी ऐसे है वैसे है तो कुछ सफरिंग हो जाता है? होता है। अशोक की पोस्ट ले ली तो आप अशोक ही हो। आप शुद्धात्मा है तो अशोक की पोस्ट लेनी नहीं चाहिए, शुद्धात्मा की पोस्ट लेनी चाहिए। तो यहाँ जरूरत है कि अशोक जुदा है और मैं खुद कौन हूँ उसका रियलाइजेशन होना चाहिए, और वहाँ से बिगिनिंग होती है मोक्ष। बंधन का कारण टूटता है, मोक्ष की शुरुआत होती है। और उसको ज्ञान प्राप्ति बोलते हैं। अज्ञानता से बंधन हुआ है तो ज्ञान से मुक्ति होगी, और ज्ञान के लिए आप आए हो तो यहाँ मिलेगा ज्ञान। आज नहीं मिलेगा, मगर ज्ञान विधि है दादाजी की, जो जिसमें अशोक जुदा है, आप शुद्धात्मा हो, उसकी जागृति प्राप्त हो जाती है। और बाद में वो जागृति में रहने के लिए 5 आज्ञा करके प्रोटेक्शन दिया जाता है। जितने आज्ञा में रहोगे उतनी जागृति बढ़ती जाती है, जुदापन अनुभव में आते रहता है, और ये क्रोध मान माया लोभ अपने आप छूटते जाते हैं, मुक्ति अनुभव में आते जाती है। टीवी में सत्संग देखते हो? हाँ जी, किसी ने बताया आपको कि टीवी से आप आए हो? टीवी से। टीवी से आए हो, बहुत अच्छा। अभी आप आए हो तो टच में रहना सत्संग के, और जब भी ज्ञान विधि होगी तभी आप जरूर ज्ञान विधि का लाभ उठाइए, और वहाँ तक सत्संग के टच में रहना। किताबें दादाजी की थोड़ी कुछ पढ़ पढ़ पढ़ना जरूर।